हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। आप मुझे एक नई जगह पर देख रहे होंगे। हाँ, मैं आ चुका हूँ बेलपड़ाव। अभी अभी हम पहुंचे ही हैं। क्या बताऊँ मैं आपको आपको मैंने टू बेलपड़ाव जर्नी ट्रैवल व्लॉग ऑलरेडी बना रखा है, तो मैंने सोचा आप क्या करनी व्लॉगिंग। बट यहाँ पर आ चुके हैं और अभी हमारा प्लान है कोटाबाग जाने का। हम अपने किसी रिलेटिव के वहां जा रहे हैं लंच के लिए। अभी हम जा रहे हैं कोटाबाग, थोड़ी देर में हम जाने वाले हैं। बस अब मम्मी कह रही है चलते हैं, सब रेडी हैं, तो बस अब चलते हैं। और हाँ गाइस, मेरी पुरानी दो वीडियो देख ली, मैं दिवाली व्लॉग और खड़ी मटू हल्द्वानी, वो दोनों वीडियो मेरी देख लेना गाइस। गाइस बेलपड़ाव में हमारा एक डॉगी है रोनी। हेलो रोनी, ये देखो गाइस ये जंप भी करता है। हेलो रोनी, आया रोनी, ये ले आजा। सो गाइस अब इसे खेलते हैं, आपको बाद में दिखाएंगे। और ये रहा डुगू। डुगू हेलो कर दे गाइस को। अक्की हाय कर दो, बोलो हाय गाइस। अब अपना नाम बता दो। यहाँ से कोटाबाग आधे घंटे का रास्ता है। पानी की बोतल भी रख ली है साथ में। ये डॉगी बहुत क्यूट है रोनी, ले। गाइस ये मौसाजी की कार, अब हम इसी में ही जाने वाले हैं। बैठते हैं, गाड़ी निकल चुके हैं। ये मैं हूँ, ये मेरी नानी है, और ये मम्मी और ये अक्की और वो डुगू, और आगे मौसी आदि और मौसाजी बैठे हैं, मौसाजी ड्राइव कर रहे हैं। अब हम निकल चुके हैं अपने घर से। यहाँ बहुत सारे खेत है, यहाँ पर फसल लगती है, और ये है यहाँ की डेयरी। यहाँ से नाना जी दूध लाते हैं। मैं बस आपको रास्ते में थोड़े बहुत शॉट्स दिखाऊंगा। पहुंच चुका हूँ अपने रिलेटिव्स के वहाँ। यहाँ पर है मेरी मौसी, मतलब मेरी मम्मी की जो मामी है उनकी बेटियाँ हैं, मतलब वो मेरी, मतलब वो मम्मी से छोटी हैं, इसलिए वो मेरी मौसियाँ लगी। यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, चारों तरफ माउंटेन्स है और बहुत सारे धान के खेत हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, और पेड़ भी बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं। चारों तरफ बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ हैं, धान के खेत है बहुत सारे। और मैं माउंटेन व्यू की बात करूं तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि माउंटेन से इतने प्यारे आ रहे होंगे। अभी मैं आपको कंप्लीट व्यू दिखाऊंगा। तुम दोनों क्या खा रहे हो? पेठा था। पेठा खाते हैं। ये पेठा खाता था। पेठा खा रही हो? ये छोटी बच्ची हो क्या? गाइस चलिए अब चलते हैं घूमने के लिए। गाइस आप देख सकते हो पहाड़, और ये रही धान की खेत। देखो गाइस ये रही धान की खेत में धान लगी हुई है, और ये रहे सुंदर सुंदर पहाड़, और यहाँ पर अभी खेत की हुई है जोताई। ये रहे पहाड़, और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे बड़े बड़े आंवले लगे हुए हैं, और उस वाले पेड़ पे छोटे छोटे लगे हुए हैं। तो गाइस ये देखो बड़े बड़े पपीते। गाइस अभी हम चलते चलते ऊपर आ चुके हैं, पहले हम उधर नीचे की ओर गए, फिर हम वहां से ऊपर आए, और अभी हम रास्तों पर चल रहे हैं, सुनसान रास्तों पर चल रहे हैं। मेरे साथ मेरी मौसी भी है, कप्पू मौसी। अभी हम बहुत ही सुनसान रास्ते पे जा रहे हैं, और चारों तरफ से पेड़ लगे हुए हैं, और यहाँ पर अभी व्यू क्लियर नहीं आ रहा है। अभी हम शायद एक शॉर्टकट लेने के मूड में हैं।
गाइज देखो यहाँ पर है गांव के घर और ये रही आमा, ये मेरी मौसी की मौसी का घर। सो आप देख सकते हैं इस पहले गधेरे पे जाना हो चुका था कैंसिल, बट अब दूसरा रास्ता मिल चुका है इसलिए हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। अभी हम पतली पतली नहरों से जा रहे हैं और आंवले के पेड़ जिसमें लगे हैं बड़े बड़े आंवले, बहुत ही पतले पतले रास्ते से जा रहे हैं और गिरने गडर है यहाँ पर, दोनों तरफ भी बड़े बड़े नाले टाइप के हैं। सो बस अब हम गधेरे की ओर जा रहे हैं। वो मंदिर कहाँ पर है? मंदिर तो बहुत दूर है, वो तो बात का भी थोड़ा ही है, पहुंच गए हैं रास्ते सही पर। पहुंच गए? हाँ। सो गाइस इतनी जल्दी हम पहुंच भी रहे हैं गधेरे के पास। सो गाइस ये रहा गधेरा और ये अभी बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है और आप सामने पहाड़ देख सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। सो ये वहां से आ रही ना, ये देवीपुरा है, यहाँ उधर सामने देवीपुरा है और इधर बाकी सारे गांव हैं वो जो प्रसाद दिख रहे हैं। अच्छा, सो ये रही नदी गधेरा जो कि सूखा हुआ है अभी। सो बस अब हम वापस चलते हैं, वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। सो गाइस यहाँ पर कोटाबाग में गांव का छोटा सा कसीनो खुला है जहाँ पर लोग पत्ते खेल रहे हैं। तो आपको दिखाता हूँ, पत्ते उठाए जा रहे हैं बड़े ध्यान से, पांच लोग बैठे खेल रहे हैं। सो गाइस चुपचाप से निकल लेते हैं यहाँ से। और गाइस देखो दो मुर्गियाँ हैं, तीन आ गई। अब मुझे कितना प्यारा लग रहा है, तो गाइस कितना प्यारा लग रहा है। तो हम वापस पहुँच चुके हैं घर पर। गाइस ये बच्चा पार्टी और अभी हम सब लोगों ने लंच कर लिया है, तो अभी हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। गाइस अब हम छत में जा रहे हैं और यहाँ से आपको देखने का मिलेगा कंप्लीट व्यू। सो यहाँ पर मैं आपको 360 घुमा के दिखाऊंगा अपना कैमरा। बाय बाय टाटा हो चुकी है, काटो इधर तो सही है। बस अब हम जा रहे हैं। रास्ता कंजेस्टेड था इसलिए अभी हम पैदल आ चुके हैं और गाड़ी अभी ऊपर जा चुकी है, तो अभी थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं थोड़ा पैदल। चलते अब थोड़ा पैदल। सो गाइस मैं आपको बहुत ही कमाल की चीज दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर हुई है केंचुओं की बारिश। सो आप देख सकते हैं इतने सारे केंचुए मरे पड़े हुए हैं। सो गाइस इसको हम उठा करके चाइनीज मार्केट में बेचा जा सकता है, क्योंकि आपको पता ही है चाइनीज सब खा लेते हैं। सो ये देखो गाइस कितने सारे केंचुए मरे पड़े हैं यहाँ पर, ये देखो गाइस सारे मरे पड़े हैं और बहुत ही गंदा व्यू है, सारे केंचुए मरे पड़े हैं, बिल्कुल गंदे लग रहे हैं, बिल्कुल नूडल्स जैसे दिख रहे हैं। अब मैं आपको क्या बोलूं, जो खाना खा रहे इस वक्त इस पार्ट को स्किप कर दो। सो आपने अभी देखी केंचुओं की बारिश। सो अभी बहुत सारे केंचुए हैं आगे रास्ते पूरा, शायद जब बारिश हुई थी तो पानी में बहते बहते हुए आए थे और बहुत सारा रोड़ा भी आया हुआ है इसलिए गाड़ी फिसल रही थी, तो हम उतर गए गाड़ी से, अब प्रॉपर रास्ता आ चुका है। ठीक है, बाय मामा। सो बस प्रॉपर रास्ता आ चुका है तो अब हम चलते हैं, अब मैं गाड़ी में बैठ। बस गाइस अब चल चुके हैं और ये रही नानी, सुबह भी बहुत ठंडा हो रहा है, रास्ते में ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं और आगे से आ चुका है गाड़ी, अब लगता है फिर कुछ होगा। सो गाइस सफिशियंट जगह होने की वजह से हम यहाँ से आराम से निकल चुके हैं, अब आशा करते हैं आगे कोई इस रास्ते के बीच में स्पेशली कोई गाड़ी ना आए। उसके बाद जब हम मेन रोड पे पहुंच जाते हैं जितनी गाड़ियाँ आ जाए आ जाए, बट अभी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो स्पीड कम हो जा रही है और हो सकता है पहुंचने में लेट हो जाए। तो अब मैं आपको सीधा मिलता हूँ घर पहुंचने के बाद, क्योंकि बहुत थकान लग रही है और रास्ते में कोई अच्छी चीज दिखाने को मिल गई तो आपको दिखा लेंगे। सो गाइस मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, थकान लग चुकी है। सो गाइस आप यहाँ आज हमारे वहाँ निक्को भी आने वाले, वहाँ मतलब वो तो उसका ही घर हुआ,
सो निक्को भी आने वाली है, वो भी कोटा भागी थी, सो अभी नाना जी का कॉल आया था तो वो भी नहीं पहुंची है वापस बेल पड़ाओ। सो अब आपको वहाँ निक्को भी देखने को मिलेगी और अब अगले दिन आज रात को बच्चा पार्टी करने वाली है। धूम तो हो सकता है मुझे इस व्लॉग के दो पार्ट करने पड़े क्योंकि शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। सो गाइस अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो इस वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली वीडियो में, मतलब अभी आने अगले वाले आने व्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, स्टे ऑसम। आ रहा है अगला व्लॉग जल्दी।